तो कैसे मेरे प्यारे साथी, मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट आशुतोष। आप मुझे देख रहे हो एजुकेशन लवर यूट्यूब चैनल पे। तो फिर जैसा कि हम लोग का नाउन का सीरीज चल रहा है, तो इससे पहले हम लोग ने 1 to 7 यानी 1 से लेकर 7 पार्ट देख चुके थे और अप्रॉक्स हर एक वीडियो आधा घंटा का है। तो फ्रेंड्स, मैं आपका नाउन का डीपली नॉलेज देना चाहता था, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा तो आपको डेप्थ में जाकर पढ़ाऊंगा। तो आज होगा आपका पार्ट 8। इसमें मैं आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल बताऊंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी हेल्पफुल रहेंगे और आपके कॉमन एरर रहेंगे, मतलब बताएंगे कुछ मतलब डायलॉग्स, मतलब कुछ बॉलीवुड के फिल्म के डायलॉग्स, कुछ देहाती डायलॉग्स, कुछ मतलब इस सब से आपके रूल्स को लिंकअप करने की कोशिश करेंगे ताकि वो चीज़ थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा सा फनी लगे, आपको पढ़ने में मजा आए और आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस चीज़ को सीख सके। तो आइए फ्रेंड्स, बिना टाइम को गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेट गेट स्टार्ट। स्क्रीन पर कुछ शो हो रहा होगा, बोला जा रहा है कि ब्रेड भी अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर है तथा काउंटेबल बनाने के लिए एल ऑफ ऑफ जोड़ा जाता है, फिर उसी एल ऑफ ऑफ को प्लूरल बनाकर समस्त का प्लूरल बनाया जाता है। इससे पहले वाले लेक्चर में तो आपको बताया था कि भाई किसी को भी मतलब क्या प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसको काउंटेबल बनना जरूरी है। अगर वह काउंटेबल बन जाएगा तो उसको हम प्लूरल आसानी से बना सकते हैं, अगर वह काउंटेबल नहीं बनेगा तो फिर उसको हम प्लूरल आसानी से नहीं बना सकते। वही बोला कि हम ब्रेड भी अनकाउंटेबल नाम है, लेकिन उसका ब्रेड भी अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर है तथा इसको हम काउंटेबल बना के उसका हम प्लूरल आसानी से बना सकते हैं। तो उसे बनाने के लिए हमें उसके पहले एल ऑफ ऑफ जोड़ना पड़ेगा और एल ऑफ ऑफ को ही प्लूरल बनाकर समस्त का प्लूरल बनाया जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ दे दिया गया है। फ्रेंड्स, हम इसको अपने हिसाब से बताते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अब बोलोगे कि यार अंग्रेज लोग तो यार ए पीस ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग ए पीस ऑफ का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, हम लोग एल ऑफ ऑफ का ही प्रयोग क्यों करेंगे? तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि देखो, जब अंग्रेज जो होता है ना, अंग्रेज के तरफ जो होते हैं वहां पे, जैसे कि हम लोग का तरफ जो ब्रेड बनता है, चपातियां बनती है, चाहे पराठा बनता है, तो कैसे बनता है, या तो बेलना होता है, फिर से आटा गूंथा जाता है, बेला जाता है, फिर तवा पर सेका जाता है, ऐसा होता है ना। लेकिन वहां पर ऐसे नहीं, वहां पर रेडीमेड ब्रेड आता है। क्या होता है? रेडीमेड आता है। तो दो तरह का आता है, एक आता है मतलब गोल गोला था, एक आता है चरखूट आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस कारण वो लोग ए पीस ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब एक एक टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देता है स्लाइस का, जो कैटरीना कैफ उसका मतलब प्रचार करती है। तो फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, उसमें मतलब स्लाइस देता है, तो स्लाइस मीन्स क्या हुआ, छोटा छोटा टुकड़ा, ठीक है। क्या हुआ, छोटा छोटा टुकड़ा। तो जब वो छोटा जब भी स्लाइस बनेगा आम का, तो क्या वो पूरा थोड़ी ना, उसका छोटा छोटा टुकड़ा करके बनेगा ना, तो इसलिए वहां पे एक पीस ऑफ का प्रयोग किया गया। तो वही बात है कि अंग्रेज लोग जो है, तो जब वो उसको बाइट करेंगे तो एक छोटा छोटा टुकड़ा में खाएंगे ना, या तो उसको चाकू से काट के खाएंगे, तो एक छोटा जैसे कि एक चपाती होगा उसका एक छोटा सा टुकड़ा उसको काटेंगे तब खाएंगे। तो एक पीस ऑफ का प्रयोग करते हैं, किसका, एक पीस ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अलग होता है, हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं, इस कारण हम लोग एल ऑफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब नमूना के रूप में आपको मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे कि सपोज दैट मेरे पास एक, मैं कागज का टुकड़ा लेता हूं, वेट, सपोज द फ्रेंड्स, ये मेरे हाथ में रोटियां हैं, ठीक है। तो ये एक रोटी आप समझो, ठीक है। अगर मैं इसको फाड़ दिया, क्या दो रोटी हो गया, क्या नहीं, रोटी का टुकड़ा हुआ लेकिन एक ही रोटी था। अगर मैं फिर से इसको फाड़ दूंगा तो क्या यह चार रोटी हो गया, क्या नहीं, रोटी का चार टुकड़ा हुआ, एक ही रोटी में से चार टुकड़ा हुआ। अगर मैं इसको और फाड़ दूंगा तो क्या आठ रोटियां हो गया, नहीं, रोटी एक ही है, उसका टुकड़ा बन रहा है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ में। तो फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ पे वो ऐसा करता है। लेकिन अब इस एग्जांपल समझ, अब मैं सेकंड एग्जांपल बताता हूँ। लेकिन रोटी तो एक ही है ना, जब रोटी एक है तो ब्रेड के पहले लगाओ एल ऑफ ऑफ, ए पीस ऑफ लगाने की क्या जरूरत है, जब रोटियां एक ही है, सिर्फ टुकड़ा अलग अलग हो रहा है, रोटी तो एक ही है ना, जब रोटी एक ही है तो ब्रेड ऑफ एल ऑफ ऑफ लगा ना, ब्रेड ऑफ ए पीस ऑफ तो लगेगा ही। अब मैं दूसरा नमूना के रूप में दिखाता हूँ, ठीक है। एक डायलॉग था, मतलब फिल्म में डायलॉग था, सुना ध्यान से। कहा जा रहा कि एक दिल के दो टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा और एक वहां गिरा। क्या मतलब हुआ, दिल के हजार टुकड़ा, मतलब हजार दिल थोड़ी ना था, उसका टुकड़ा गिरा। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर कर क्या करता कि एक दिल को लेता, पटक देता, उसका हजार टुकड़ा होता, सारा मतलब व्यक्ति को उसी से जिंदा कर देता। लेकिन नहीं, एक ही दिल था, उसका अलग अलग टुकड़ा गिरा, ठीक है। तो वही बात है, ब्रेड एक है, रोटियां एक है, उसका टुकड़ा होता है, तो वहां पर पीसेस लगाओ। लेकिन यहाँ पे ब्रेड के पहले आपको लगाना पड़ेगा एल ऑफ ऑफ, ठीक है।
तो ये फ्रेंड्स मैं आपको प्रूव किया कि ऐसे क्यों होता है। मुखिया जी बोल दिए थे ऐसा नहीं, मतलब बुक में लिखा हुआ ऐसा नहीं, मैं उसको कन्विंस किया। देखो मेरे गुरु जी का कहना था यही, या तो आप किसी से कन्विंस हो जाओ या फिर कन्विंस कर दो। तो मैं फ्रेंड्स आपको लॉजिक दे रहा हूँ, या तो आप कन्विंस हो जाओ नहीं तो आप मुझे कन्विंस कर दो, ठीक है। तो यही होता है रामायण में भी। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि इसके पहले हम वेट के पहले भी हम इसके पहले हम एल ऑफ हब का प्रयोग करेंगे। आइए एक नमूना के रूप में एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि यहाँ बोला ब्रेड इज हॉट, ये सही है ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए लॉफ ऑफ ब्रेड इज हॉट ये भी सही है। अब यहाँ पे फाइव लॉफ्स ऑफ ब्रेड आर हॉट, क्यों? क्योंकि यह प्लूरल था। तो क्या बोला, एक से अधिक था, प्लूरल था। प्लूरल बनाने के लिए ए लॉफ ऑफ को ही प्लूरल बनाकर समस्त का प्लूरल बनाएंगे। तो ए लॉफ ऑफ का जब हम मतलब प्लूरल बना तो यहाँ पे लॉफ्स ऑफ हो गया एंड ब्रेड, और यहाँ पे आर का तो प्रयोग किए ही हुए हैं और यहाँ पे हॉट कर दिए। तो आई होप फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट आखिर क्या कहता है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपको मतलब वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा रिवाइंड करिए वीडियो को, थोड़ा सा पीछे जाइए और देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या हुआ। आइए सीखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अभी देखना फ्रेंड्स इस पॉइंट को ध्यान से। इस पॉइंट से आपके बहुत सारे कन्फ्यूजिंग पेयर है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं कि कहाँ पे पुलिस लगाएं, कहाँ पे पुलिस मैन लगाएं और कहाँ पे पुलिस मेन लगाएं। तो सारे इस सारे के सारे पॉइंट को मैं अभी क्लियर कर दूंगा आपके साथ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और इस पॉइंट के थ्रू। तो सबसे पहले आइए फ्रेंड्स देखते हैं, और इसे रूल्स भी कॉमन ईयर भी पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कहता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा क्या रहा है कि पुलिस विभाग में कार्यरत सारे लोगों के लिए बुध होता है, मतलब संसार के सभी पुलिस के लिए, जो भी पुलिस होंगे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पुलिस शब्द का प्रयोग करेंगे। यानी क्या बोला, पुलिस से पुलिस विभाग में कार्यरत सारे लोगों के लिए बोध किया जाता है पुलिस शब्द का प्रयोग। लेकिन क्या बोला फिर कि एक की बात करनी हो तो पुलिस मैन, PoliceMan, पुलिस मैन, तथा एक से अधिक परंतु समस्त नहीं के लिए पुलिस मेन, PoliceMen, पुलिस मैन का प्रयोग करना होगा। जैसे कि अगर हम बताएं, अब संसार के सारा पुलिस, भारत का पुलिस, स्विट्जरलैंड का पुलिस, इंग्लैंड का पुलिस, कहीं का पुलिस, सबको हम पुलिस ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यदि एक पुलिस की बात करनी हो तो हम वहां पे पुलिस मैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक से अधिक का बात करनी हो, परंतु समस्त नहीं, पूरे संसार का नहीं, सिर्फ कुछ लोगों का बात करनी हो, एक से अधिक हो, कुछ लोगों का बात करनी हो, तो पुलिस मैन नहीं, पुलिस नहीं, बल्कि पुलिस मेन क्या करेंगे, उसको प्लूरल बना देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल शो हो रहे हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। पुलिस आर गवर्नमेंट इंप्लॉय, जो पुलिस होते हैं वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट की इंप्लॉय होते हैं। क्या संसार का मतलब एक ही वो पुलिस गवर्नमेंट इंप्लॉय होता है, दुए गो होता है, तीन गो होता है कि चारे गो होता है, कि संसार के जो भी पुलिस होंगे वो सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, चाहे वह हमारे देश को हो चाहे हमारे देश के बाहर को, वह बिहार के हो, यूपी के हो, उत्तराखंड को, कहीं के हो, सब जगह के पुलिस मैन के लिए क्या होता है, पुलिस का ही प्रयोग किया जाएगा। संसार का समस्त का बात करना हो तो हम पुलिस का प्रयोग करेंगे, पुलिस मैन, सॉरी पुलिस आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब देखना फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि सम पुलिस मैन आर हॉनेस्ट, कुछ पुलिस मैन जो है ईमानदार हैं, कुछ ही पुलिस मैन है। संसार के सभी पुलिस मैन के बारे में बात नहीं कहा जा रहा कि ऐसे कुछ ही पुलिस मैन है जो ईमानदार है। तो यहाँ पे कुछ यानी एक सौ अधिक तो है, एक नहीं ना है, कुछ यानी एक से अधिक हो सकता। तो एक से अधिक, जैसे हम बोलेंगे फाइव पुलिस मैन आर हॉनेस्ट, तो यहाँ पे एक से अधिक का बात किया जा रहा, समस्त का बात नहीं किया जा रहा, एक से अधिक हो लेकिन समस्त का बात नहीं किया जाए, तो हम उसके लिए लगाते हैं सम पुलिस, सॉरी उसके लिए लगाते हैं पुलिस मैन, MEN, PoliceMan। जब ये प्योर है तो भर भी तो इसके साथ प्योर होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे प्योर लगा दिए। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि माई ब्रदर इज ए पुलिस मैन, मेरा भाई जो है एक पुलिस मैन है। तो मेरा भाई अपना खुद के भाई के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि एक है, एक पुलिस मैन है, इसलिए यहाँ पे एक पुलिस मैन का प्रयोग किए, पुलिस मैन का प्रयोग किए, न कि हम पुलिस का प्रयोग किए, न कि पुलिस मैन का प्रयोग किए, बल्कि हम यहाँ पे प्रयोग किसका किए, हम यहाँ पे प्रयोग किए हैं पुलिस मैन का। क्यों? क्योंकि मैं अपने भाई के बारे में कह रहा हूँ जो एक है, ठीक है।
तो आई होप फ्रेंड्स ये आपके पॉइंट, अगर आपके भाई दो होंगे तो फिर वहां पे पुलिस मेन का प्रयोग किया जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि इसके पीछे का वजह क्या था, कि क्या क्या डिफरेंसेस डिफरेंस होते हैं पुलिस में, पुलिस मैन में और पुलिस मेन में। ये तीनों बहुत ही कंफ्यूजिंग पेयर थे, इसलिए मैं आपको सोचा कि इसको बता दूं, इससे एग्जांपल भी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर एंड क्लिस्टर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट, आखिर नाउन में क्या हमको पढ़ना है, आइए सीखते हैं। अभी फ्रेंड्स आपके बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स हो रहे होंगे, देखना बहुत ध्यान से, ठीक है। ये बहुत ही मतलब ये भी कंफ्यूजिंग पेयर है, लेकिन मैं फ्रेंड्स इसको बिल्कुल आपके देसी जीवन से रिलेटेड, आपके परंपरा से रिलेटेड मैं एक आपको रूल बताऊंगा। पहले इस रूल को देखते हैं, फिर मैं अपना रूल बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा क्या रहा है, ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके प्लूरल नहीं बनते परंतु इनके अंत में इस जोड़ा जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके प्लूरल नहीं बनते परंतु उनके अंत में इस जोड़ा जाता है, जो प्लूरल बनाने के लिए नहीं बल्कि उनका अर्थ बदलने के लिए किया जाता है। पहले हम लोगों ने क्या किया कि भाई सिंगुलर को प्लूरल से बना दिए उसका, और मतलब उसको प्लूरल कर दिए और प्लूरल को सिंगुलर से बना दिए। लेकिन फ्रेंड्स इंग्लिश में कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ भी चीज इंग्लिश में 100% नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश में कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनको तो हम एस लगा कर प्लूरल बना देते हैं, लेकिन वह प्लूरल नहीं रहता, सिर्फ उसमें एस लगाता है और उसका अर्थ बदल जाता है, उसमें एस लगकर उसका अर्थ बदल जाता है। तो बोलोगे ऐसे कितने सारे वर्ड है, तो ऐसे ज्यादा वर्ड नहीं है, कुछ ही वर्ड है। तो फ्रेंड्स मैं उसका आपके एक पीडीएफ टाइप का बना के इधर के साइड पे भी शो भी हो रहा होगा, देख लेना, बहुत सारे ऐसे वर्ड है। तो एग्जांपल के रूप में अभी देखना यहाँ पे कहा क्या है, आयरन मींस लोहा और आयरन्स, आयरन में एस लगा दिए तो क्या हो गया, आयरन्स, आयरन्स मींस बेरी। कॉपर मींस तांबा, कॉपर में एस लगा दिए तो हो गया कॉपर मींस सिक्का। सैंड मींस बालू और सैंड्स, सैंड में एस लगा दिए सैंड्स, सैंड्स मींस रेगिस्तान। वाटर मींस पानी, वाटर में एस लगा दिए वाटर्स मींस हो गया समुंदर। तो ऐसे करके होते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको आपके जीवन, आपके व्यवहारिक जीवन, आपके परंपरा से इस पॉइंट को लिंक करता हूं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं अभी मैं आपके यानी अपने अपने धर्म में ले चलता हूं, हिंदू धर्म में ले चलता हूं, आपको मैं बताने की वहां पे ट्राई करूंगा कैसे क्या होता है। तो फ्रेंड्स हिंदू धर्म में एक मतलब बात होता है कि जब भी किसी को गंजा किया जाता है या फिर जब भी किसी को टकला किया जाता है, जब भी आप किसी बाल मतलब बाल को हटाया जाता है, गंजे मतलब सर से ऊपर से बाल को हटाया जाता है, तो एक छोटा सा टीकी छोड़ दिया जाता है ताकि उसका मतलब ये ऐसा होता है, नियम हिंदू धर्म में होता है, ठीक है। आई डोंट नो क्यों होता है, लेकिन यह परंपरा है तो सभी लोग इसको मानते हैं। लेकिन यदि यही चीज मुस्लिम में अगर किसी को मान लीजिए कि गंजा किया जाएगा, ठीक है, और उसकी टीकी जहां छोड़ा जाता है वहां पे उसको घाव टाइप का हो गया होगा, ठीक है, चाहे कुछ वहां पे प्रॉब्लम हो गया होगा, तो जिस कारण वहां का बाल वह नहीं हटा सकता, क्या कर सकता है, वहां का बाल नहीं हटा सकता। तो ऐसा थोड़ी ना कि अगर वहां पे वहां का बाल नहीं हटाया तो उसको हम देख लिए कि भाई उसके अंदर टीकी है तो भाई वो मुस्लिम नहीं है, वह मुस्लिम है लेकिन मजबूरी बस उसको टीकी रखना पड़ा। क्यों, क्योंकि वहां पे उसको प्रॉब्लम है उस जगह पे जहां पे टीकी छोड़ा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू हो गया, वो है अभी भी मुस्लिम ही। उसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पे है कि कुछ सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंदर तो एस लगता है लेकिन वह प्लूरल नहीं बनके उसका अर्थ बदल जाता है। तो वही कहने का मैं ट्राई कर रहा था, वही मैं आपको लिंकअप किया। तो फ्रेंड्स देखिए कितना आसानी से इस चीज को मैं लिंकअप किया और आपको आसानी से समझ में आ गया। फ्रेंड्स यही बातें खाते हैं, तो आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लेना, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट आखिर क्या कहता है, और उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको मजा तो आ रहा होगा मेरे इस रूल्स के मतलब जो भी मेरा रूल्स बताने का जो स्टाइल होता है, इस स्टाइल आपको ये सब किताब में नहीं मिलेंगे। और मैं ऐसा उम्मीद भी करता हूं कि मतलब आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई मतलब यूट्यूब चैनल भी होगा जहां पे इस तरीका सबको पढ़ाता हुआ कुछ देसी डायलॉग के साथ, फिल्मी डायलॉग के साथ, मुझे ऐसा नहीं लगता, बट देख लेना अगर हो तो अच्छा बात है, नहीं तो फ्रेंड्स मैं ऐसा ही तरह से इसी तरह से मैं आपको सारे के सारे ग्रामर जो भी पढ़ाऊंगा मतलब इसके बाद कुछ भी पढ़ाऊंगा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, मतलब कंजक्शन, प्रीपोजिशन, टाइम एंड टेंस, नाइलेशन, सिंटैक्स, वॉइस, जो भी पढ़ाऊंगा सब इसी तरह मेरे डायलॉग्स के साथ मतलब अटैच रहेंगे, बने रहेंगे। तो आइए सीखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को। अभी देखना फ्रेंड्स ये पॉइंट अभी सो रहा होगा, इससे आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्वेश्चन पूछा था, पहले पॉइंट देखते हैं क्या करता है। देखो यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो समान शब्द आपस में जुड़े हो तो सिंगुलर रहेगा। क्या बोला, यदि प्रीपोजिशन के द्वारा जो समान
शब्द आपस में जुड़े हो तो सिंगुलर रहेगा। ठीक है, देखना अभी इधर के साइड में, ठीक है, इधर के साइड में अभी आपके स्क्रीन पे एक पॉइंट शो हो रहा होगा, देखना ध्यान से, सॉरी एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पूछा गया। तो वहां पे फ्रेंड्स जो बात कहा गया है ना, वहां पे जो कहा गया है पॉइंट ए में देखना, फर्स्ट पार्ट में देखना उसको, डब्ल्यू ओ एम ई एन वोमेन, ए एफ टी ई आर आफ्टर ओमेन, वोमेन आफ्टर ओमेन का प्रयोग किया गया है जो कि प्लूरल है। ओमेन क्या है, मैन, ओमेन का होता है, ओमेन का प्लूरल क्या होता है, वो मेन होता है। ठीक है, तो ये क्या बोला कि जब प्रीपोजिशन के द्वारा, तो आफ्टर क्या है, आफ्टर प्रीपोजिशन, आफ्टर प्रीपोजिशन है के द्वारा दो समान शब्द, तो ये भी और ये भी दोनों समान शब्द है ना, आपस में जुड़े हो तो सिंगुलर रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो ओमेन ओमेन कर दिया, प्लूरल कर दिया, वहां पे होना क्या चाहिए था, वहां पे होना चाहिए था ओमेन आफ्टर ओमेन, ओमेन आफ्टर ओमेन होना चाहिए था, ई की जगह पर ए होना चाहिए था, लेकिन वहां पे कर दिया है ओमेन आफ्टर ओमेन, जो कि बिल्कुल सरासरी गलती है। तो अभी आपका ऑप्शन नंबर ए को सेटिस्फाई करता है, आपका ऑप्शन नंबर ए को सेटिस्फाई करता है। आई होप फ्रेंड्स ये आपके कॉमन एरर और ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो कुछ भी चीज़, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसके रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा, हमेशा मैं आपके लिए एक्टिव रहता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट पॉइंट आखिर क्या कहता है। अभी देखना फ्रेंड्स इस पॉइंट को, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए कहा क्या रहा है, ये बहुत ही कंफ्यूज करता है, लेकिन आप कन्फ्यूजन मत होना, ध्यान से देखना क्या कहता है। ओके, तो ये कहता है क्या मेरे प्यारे साथियों, स्कोर एस्टोन डोजेन 100 मिलियन बिलियन ग्रॉस ईटीसी अपने पहले या तो ए लेगा या अंत में एस लेगा। क्या बोला कि ये सारे शब्द ऐसे होते हैं, इसके या तो अपने पहले ए लेगा या फिर अंत में एस लेगा। जब अंत में एस लेगा तो ए का प्रयोग नहीं होगा, जब पहले ए लेगा तो अंत में इसका प्रयोग नहीं होगा। नमूना के रूप में देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि ए डोजन लास्ट में एस है क्या, नहीं ना, लेकिन इसके पहले ए है, नहीं है, ए नहीं है, लेकिन इसके लास्ट में एस है, तो डोजन्स या तो आप इस तरह से बना लीजिए या फिर आप इस तरह से बना लो। तो ये थे फ्रेंड्स इसके कहने का मतलब और इसके अंदर कुछ विशेष नहीं है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट पॉइंट आखिर क्या कहता है। फ्रेंड्स अभी आपके सामने कुछ छोटे छोटे पॉइंट रखेंगे जो कि आपके नॉलेज के लिए जरूरत है, ठीक है, रेयर केस में इससे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो देखना क्या कहता है, यदि अंश और पूर्ण एक साथ आए, क्या बोला, यदि अंश और पूर्ण एक साथ आए तो अंश आएगा बाद में और पूर्ण आएगा पहले, साथ आए तो पहले, सॉरी आए तो पहले अंश आएगा बाद में पूर्ण आएगा, सॉरी बोला क्या, फिर से देखना, यदि अंश और पूर्ण एक साथ आए तो पहले क्या आएगा, पहले जो उसका अंश वाला भाग होगा वो पहले आएगा और जो पूर्ण वाला भाग होगा वह लास्ट में आएगा। अब ये अंश और पूर्ण क्या है मेरे भाइयों, देखना ध्यान से, एग्जांपल के थ्रू क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा। अब एक बताओ, बोला कि हाफ एन आवर मतलब एक घंटे और 30 मिनट की बात कर रहा है, तो इसमें पूर्ण क्या है, पूर्ण है एन आवर, यानी पूर्ण है एन आवर पूर्ण है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों हाफ जो है यह उसका अपूर्ण है, यानी इसका भाग है, यानी इसका अंश है, तो यही लिखा गया। ऐसे नहीं लिख सकते हो एन आर, एन आर हाफ नहीं लिख सकते हो, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा हाफ एन आवर। क्यों, क्योंकि पूर्ण वाले को हम लास्ट में लिखते हैं और अंश वाले को पहले लिखते हैं। तो ये था बेसिकली फ्रेंड्स इसके कहने का मतलब। आइए देखते हैं इसी के नेक्स्ट पॉइंट को आखिर क्या कहता है। लेकिन फ्रेंड्स अभी जो मैंने इससे पहले रूल बताया था वह हमेशा लागू नहीं होगा, उसमें चेंजेस भी आ सकते हैं अगर बीच में एंड आ गया तो, ठीक है, कंजक्शन में का क्या रहा, देखना ध्यान से, एंड यदि एंड यानी सॉरी और यदि एंड के द्वारा उपरोक्त को जोड़ दिया जाए तो पूर्ण पहले आएगा अंश बाद में आएगा। इससे पहले क्या था कि भाई यदि कोई भी शब्द हो तो पूर्ण जो होता है ना, पूर्ण जो होता है वह क्या आता है, बाद में आता है और अंश पहले आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूर्ण पहले आएगा और अंश बाद में आएगा, पूरा चेंज हो गया था। इससे पहले हम लोग ने क्या देखा था, देखा था एच ए एल एफ हाफ एन आवर देखा था,
हाफ एंड आवर देखा था। क्यों देखा था भाई? क्योंकि इसके बीच में एंड उंड नहीं था। लेकिन अब क्या है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे बीच में ए एन डी एंड का प्रयोग कर दिया गया है। तो वही बोल रहा कि यदि एंड के द्वारा उपरोक्त को जोड़ दिया जाए तो पूर्ण पहले आएगा। तो यहाँ पे हाफ और वन में पूर्ण को है, वन पूर्ण है, तो इसलिए वन को हम पहले लिख दिए और जो इसका अंश बचा उसको हम लिख दिए लास्ट में। तो वन एंड हाफ, लेकिन अगर एंड नहीं होगा तो हाफ एंड आर। तो आई होप फ्रेंड्स ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर एंड क्रिस्टल हो चुका होगा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट पॉइंट आखिर क्या है। अभी देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से देखना। यदि वाक का सब्जेक्ट कोई वस्तु हो तो वाक का सब्जेक्ट कोई वस्तु रहेगा तो वह सिंगुलर प्लुरल दोनों रह सकेगा, जैसा होगा वैसा वर्ब लेगा। क्या बोला कि वाक का सब्जेक्ट यदि कोई वस्तु रहेगा तो वह सिंगुलर प्लुरल दोनों हो सकता है, जैसा होगा वैसा क्या रहेगा भर लेगा। ठीक है अभी फ्रेंड्स इधर के सारे आपके एक क्वेश्चन सो रहा है जो कि वो यूरिस में पूछा गया था। तो वो कह रहा है फर्स्ट पॉइंट देखना, कहता क्या कि द कंपनी हैव का प्रयोग यहाँ पे किया गया, किसका एच ए वी ई हैव का प्रयोग किया गया है। तो वहां पे हैव नहीं, वहां पे क्या होगा हैज का प्रयोग होगा। अब कहोगे कि भाई की सिंगुलर प्लुरल दोनों रहेगा तो रहेगा, लेकिन जब द कंपनी है, जो कंपनी है वो एक कंपनी की बात कर रही है, अनंत कंपनी नहीं है। कोई कंपनीज रहता तो फिर तो होता, वहां पे एक सिंगलर की बात कर रही है तो सिंगलर की बात कर रही है, तो सिंगलर भर का प्रयोग करना चाहिए, प्लुरल भर का प्रयोग कर दिया, गलत कर दिया। तो अभी के लिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स मेरा इंक इस मार्कर का इंक खत्म हो गया है और इंक का डब्बा भी मेरे पास अब उपलब्ध नहीं है, तो मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं इसे लिख नहीं पा रहा हूँ, सही से लिख भी नहीं पा रहा होगा। तो यार मैं समझ रहा हूँ कि इसको यहीं तक, यहीं से डायरेक्ट कर देता हूँ, यहीं तक तो स्टॉप कर देता हूँ। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, लाऊ कल से मिलते हैं। कल फिर से आपका आधा घंटा लेक्चर होगा, अभी शायद आई थिंक 20 या फिर 22 मिनट के आसपास लेक्चर हो गए होंगे। तो बस 8-10 मिनट और बस मतलब पढ़ाता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मतलब खेद है मुझे नहीं पढ़ा पाया आपको, और कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। इसका बहुत सारे पार्ट आएंगे, तो इसका समझौता नाउन आधा ही खत्म हुआ, अभी आधा और बचा हुआ नाउन का। मैं इसके बाद जैसे ही नाउन का ये खत्म होगा तो मैं आपको कॉमन एरर इन नाउन, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स इन नाउन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट इन नाउन, नाउन से जो जो भी आते हैं सबका सब आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड लव लव, कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय।